राम राम दिल से दोस्तों। बहुत दिन बाद भाई मैं ऐसे व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं बताऊँ बिना चश्मे के ठीक हुआ, चश्मा लगा के ठीक हूँ, बता दो कमेंट में। तो भाई तुम्हारे भाई का आज हो गया भाई ब्रेकअप। मैं तुम्हें बता दूँ प्यार मोहब्बत में कुछ नहीं रखा, सिवाय धोखा मिलेगा, सिवाय झूठ मिलेगा, सिवाय तुम्हारी बात ना मानने वाला वो क्या दिखना फलाना मिलेगा। तो तुम समझ जाओ। अब तुम लोग बताओ मैं चश्मा लगा के ठीक लग रहा ना, कमेंट में बता दो ठीक है। देखते फिर आज का दिन हमारा कैसा जाता है और कैसा नहीं। ये अच्छा लग रहा, रुक जा, अब रोल ले, हट जा, ऊपर देख, ऊपर देख, दे चश्मा नहीं लगा दे रहा दोस्तों, चश्मा लगाऊंगा बढ़िया लगेगा, तू ये देखिएगा तू अच्छा लग रहा ना, सुनता नहीं, रुको दिखा इधर, मरगाड़ हटा दिया। मरगाड़ इसलिए हटा दिया क्योंकि ना अब ना कैडी लग रही है, देखो थोड़ी सी अजीब सी लग रही थी मरगाड़ लगा के, तो मैंने कल के व्लॉग में हटाया, देखना कल का व्लॉग परसों का। जस्ट एमटी को लेकर आया भाई ताऊ जी के घर पर, क्योंकि भाई ताऊ जी ने बुलाया था, आज आ रखे है भाई मेहमान घर पर। और ये हमारी क्यूट सी भांजी, बता दो व्लॉग में कितनी बार आई है, कमेंट बताओ फटाफट। तो भाई दोस्तों घर पर कौन आ रखा है, घर पर आ रखे है भाई लड़की के भाई, मतलब तुम्हारी भाभी के भाई आ रखे हैं आज घर पर। तो गाइस जस्ट आज होएगा भाई तिलक, तो दोस्तों मैं इनसे मिलवाता हूँ। ये मेरे बड़े ताऊ जी के लड़के हैं, बड़े वाले भैया, एंड ये मेरी अम्मा, और ये मेरे बड़े ताऊ जी, और ये हन्नी, ये भैया लड़की के भाई, और ये मेरा भतीजा, और ये ताऊ जी बैठे छोटे वाले दोनों, और देख लो सिस्टम। तो दोस्तों शादी से पहले जो भाई चिट्ठी आती है ना, वो चिट्ठी आई है, और मैं अपनी बहन के साथ एक सेल्फी ले रहा हूँ, और ताऊ जी और अम्मा के साथ सबके साथ। तो गाइस जस्ट भाई तिलक विलक होने के बाद मैं फिर एक बार और सेल्फी ले रहा हूँ ताऊ जी के साथ। तो मुझे कमेंट आने वाली है भाई मम्मी का है आपकी, और स्वीटी दीदी का है भाई मम्मी। आज जैसे कि आप सबको पता ही है बुआ जी के घर पर मैं छोड़ कर आया था, पिछले वाले व्लॉग में देखा होगा आपने। तुम्हारे भाई के हुआ भाई आज तिलक, और तुम्हारी भाभी जल्दी आने वाली है, तारीख भी बता दूंगा शादी की। आज हम लड्डू लेने जा रहे हैं, मेहमान मतलब लड़की वाले आए हुए हैं यहाँ पर, की खातरदारी कर रहे हैं, जो हमारे से दिल सोएगा नहीं। तो दोस्तों जस्ट भाई अभी खाना लगा दिया है ठीक है, और अभी खाना खिलाते हैं ऊपर मेहमानों को, ऊपर बैठे हैं हम नीचे, ऊपर जाना है क्या। तो दोस्तों ताऊ जी और मेहमानों का चल रहा है यहाँ पर खाना, खाने का वक्त भी हो गया था, और दोस्तों मैं भाई सर्व करने वाला नीचे से लेके ऊपर तक भाई मैं सर्व कर रहा हूँ। दोस्तों सबको खाना खिलाने के बाद भाई मुझे भी भूख लग रही थी, तो भाई मैं भी भाई खाना खाने लगा। तो ठीक है फिर दोस्तों, अभी भाई सब लोग यहीं पर थे, अभी यहाँ पर कोई है नहीं, सब लोग गए हैं भाई मैरिज होम, और भाई गए हैं फर्नीचर देखने। तो भाई मैं लेट हो गया था, तो हम तो खाना खा के निकलते हैं, चलो हम भी चलते हैं फर्नीचर देखने। तो भाई जैसे हम जा रहे थे भाई, हम रुके एक भाई दुकान पर ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूँ, ये भाई दुकान पर से लिया सामान, और दोस्तों सीधा आगे भाई हम फर्नीचर की शॉप पर, जहाँ पर बहुत अच्छा अच्छा आपको फर्नीचर देखने को मिलेगा। तो भाई यहाँ पर लड़की के भाई भी मिलेंगे, मतलब कि तुम्हारी भाभी के भाई भी मिलेंगे, जो कि फर्नीचर देख रहे हैं यहाँ पर। और मैं अपने बड़े वाले ताऊ जी कह रहा हूँ, ताऊ जी आप भी ले लो अपने लिए। ताऊ जी कह रहे कि हाँ चलो देखते हैं, मैं भी सोच रहा हूँ कुछ लेना। तो दोस्तों मैं तुम्हें बता दूँ, ये जो भाई फर्नीचर की भाई ये है ना फैक्ट्री, जहाँ पे मैं बैठा हूँ, ये शोरूम भाई बहुत बड़ा शोरूम है, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे आपको सोफे देखने को मिल जाएंगे, सोफे क्या बेड और अलमारी हर चीज़। आप बताओ कौन सा पसंद आ रहा है आपको? मैं तो इसी टाइप का लूंगा, तो कलर अच्छा सा ये कलर तो वो ले लो। ये सही है, इस टाइप में जगह तो बहुत है, इतने ज्यादा नो लिख रहा, नो फोटोग्राफी, ओह माय गॉड। तो दोस्तों भाई वहाँ पर लिख रहा था नो फोटोग्राफी, और मैंने तो पूरा व्लॉग ही शूट कर लिया। तो गाइस अभी डिसाइड कर रहे हैं ताऊ जी और कौन सा सोफा लेना है, और रही भाई लड़की के भाइयों की, मतलब कि तुम्हारी भाभी के भाइयों की, वो भाई उधर की साइड है, छोटे वाले ताऊ जी की साइड। तो भाई मैंने फाइनल कर दिया, ये सोफा कम बेड ये ले रहा हूँ मैं, तो सपोर्ट कैसी ये है तो सही हो। तुम्हारी भाभी के भाई भाई वहाँ पर खड़े हैं सामने, जो कि भाई अभी डिस्कस चल रहा है ठीक है, फर्नीचर से रिलेटेड जो भी है। भाई क्या 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 लग रहा,
मस्त लग रहा भाई ये लग रहा सोफा तो बेहतरीन। अरे बेड, अरे ये बेड, ये बेड, ये बेड, ओ भैया। और तुम्हें एक बात बताऊँ, हमारे गांव में ही फैक्ट्री दोस्तों, प्रमोशन भी कर दिया मैंने, बागपत टीवी, मेरे नाम से आओगे तो डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों सीधा है भाई घर पर, शादी के कार्ड भाई छप चुके हैं, अब ये बस भाई बांटने हैं। और ताऊ जी साइड में बैठ के भाई फोल्ड कर रहे हैं, ठीक है ये देखो फोल्ड कर रहे हैं ताऊ जी। भाई हम भी फोल्ड कराएंगे जितने भी, अच्छे से लगाएंगे इनको। छोटे वाले ताऊ जी खिला रहे भाई मिठाई सब लोगों को। जस्ट अभी भाई जाना है मम्मी को लेना है, मम्मी भी गई हुई थी देखो, मेहमान भी घर पर आ रहे थे और मम्मी भी बुआ जी के वहां पर गई हुई है, मम्मी को लेने भी जाना है जस्ट अभी, तो मैं जा रहा हूँ भाई मम्मी को लेने। ऐसी सीन हो रखा है दोस्तों, घर पर मेहमान भी आ रखे हैं, मम्मी भी जा रही है। एकदम दोस्तों रात हो रखी है और देखो मैं सीधा जा रहा हूँ भाई बुआ जी के घर पर, ठीक है। गाड़ी ज़्यादा तेज नहीं चल रही है, देख लो सब लोग मुझे कमेंट करते हैं कुछ भाई बहुत तेज गाड़ी चलाते हो, देख लो मीटर में कितनी है, ठीक है फिर मुझे कमेंट कर देना कितनी स्पीड से चल रही है। बुआ जी के घर पर आते के साथ ही एक गिलास पिया पानी, मम्मी और चाची बैठे हैं सामने और बुआ भी बैठी है। मम्मी और चाची को लेकर सीधा आए घर पर, और अभी भाई ताऊ जी भी आ रखे थे बड़े वाले ताऊ जी, तो वो भी भाई घर पर ही आए हमारे वहाँ से पुराने वाले मकान से, और सीधा तुम देख लो डॉलर कैसे भोंक रहा है सबके ऊपर। तो बड़े वाले ताऊ जी करते भाई चाचा जी से बात और भैया से बात, मतलब इनकी गिलास लग रही है यहाँ पर और मैं बालों पर हाथ मार रहा हूँ। तो फिलहाल भाई ताऊ जी भी जा रहे हैं, तो मैं तुम्हें बताऊँ भाई ताऊ जी मेरे कहाँ पर रहते हैं, बड़े वाले ताऊ जी रहते हैं भाई दिल्ली क्राउन नगर, ठीक है। और ये भाई भैया का लड़का सब लोग जा रहे हैं अभी फिलहाल, एंड इसी के साथ भाई यहाँ पर लग रही है क्लास, चाचा जी लगा रहे हैं अपने बड़े वाले लड़के की क्लास, क्योंकि उसके है मार्क्स कम। ऊपर जाके भाई डॉलर को भी खोलना है, डॉलर भाई ऊपर बंधा पड़ा है। नीचे आते के साथ ही गुस्से में देखने लगा मेरी तरफ डॉलर कि तू भाई आया क्यों नहीं ऊपर, मेरा गेट खोलने मुझे बंद कर ही आया। बता तू तो पढ़न के नाम का है, हिंदी वाले भी पढ़ा है तेरे कितना है? मेरे 25। तो यहाँ पर भाई चाचा जैसे मैंने बताई भाई क्लास ले रहे हैं अपने बड़े वाले लड़के की, इसके मार्क्स कम आए हैं तो इसको भाई धमका रहे डांट रहे बहुत ही कम आए हैं दोस्तों, इसको समझा रहे कि जब हम पढ़ते थे तो मास्टर कैसे मारते थे ये वो डिग्रा फलाना, जो कि भाई सबके घरों में भाई सब समझाते हैं। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, फिर मिलते हैं कल एक न्यू